देखो स्माइल देखो गाइस, आज भव्य जा रहा है अपने घर, और उसके घर जाने से पहले हम आए हैं जायका खाने कुछ थोड़ा बहुत। तो हमने ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया ब्रो? हमने 2 प्लेट आलू पराठा ऑर्डर किया है और 2 कोक साथ में। हाँ, चाहिए कि घर जा रहे गाइस, अभी तुम सोच नहीं सकते हम क्या लेके आए हैं। हाँ भैया, अलग अलग दो प्लेट है अपने टोटल। हाँ, और तो बस अब क्या, मैं एक तो आज का सुबह थोड़ा सा असाइनमेंट वगैरह का काम था, तो अब उससे फ्री होके बस अब पैकिंग करनी है। तो पैकिंग करते टाइम आपको थोड़ा सा शूट दिखाएंगे कि भाई क्या क्या पैक हो रहा है सामान, क्या क्या मतलब भव्य क्या क्या लेके जाता है। हाँ, भव्य क्या क्या लेके जाता है, भव्य बहुत बड़ा स्टार है ये। स्टार नहीं, लेकिन जरूरत तो पड़ती है ना भाई, घर जा रहे हैं, सामान सारा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे यार शूट ये तो रह गया, ये भी सही बात है, ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए वहाँ। तो आपको मिलते हैं खा पी के। तो गाइस, हमारा ऑर्डर आ चुका है, तो हम लोग अभी खा रहे हैं रूम पे जाके, और आपको दिखाते हैं थोड़ा आउट पास वगैरह लेके बॉर्डर से, फिर आप पैकिंग वैकिंग करेंगे, फिर रेडी होके आपको फिर दिखाएंगे कि हमारी तैयारी हो चुकी है, और आपको फिर कॉलेज दिखाएंगे अंदर से, हम कैसे जाएंगे कॉलेज के अंदर से, है ना। मिलते हैं आपको। फिर हम खा के आ चुके हैं और चल रहे हैं भव्य के रूम की तरफ, और ये आज जाने वाला है जयपुर। खुशी देख रहे हो इसके मुंह पे, और ये सामने है इसके हॉस्टल, और जिस हिसाब से धूप पड़ रही है ना, और भी काफी धूप पड़ रही है ना इन दिनों, इतनी टैनिंग भी हमें आज तक नहीं हुई होगी। हाँ, बहुत धूप हो रही है। फाइनली हम रूम पे आ गए इसके, और हम सोच के गए थे कि थोड़ी देर में आ जाएंगे, पर कितना टाइम लगा। सो गाइस, आज फाइनली, क्योंकि अब मुझे क्या थोड़ा सा पेंडिंग काम भी था, असाइनमेंट वगैरह भी थे, तो हमने कहा आज मैंने फाइनली इंटेंशन से पहली लीव ली है अपनी। आज मेरी पहली छुट्टी होती है, छुट्टी है, पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाकी को काम मिल रहा है, ग्रुप पे देख रहा हूँ मैं, वो उधर देख रहा है, इधर ग्रुप पे, लेकिन आज अपनी छुट्टी है, भव्य की छुट्टी है। चलो, और ये इसका रूम है, अब फटाफट पहले पैकिंग करते हैं। हाँ, सो गाइस, अब ये भव्य की पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसमें ये सिर्फ शूज लेके जाएगा, इतने शूज हैं। सो गाइस, भव्य दुविधा में है कि जूते कहाँ रखें, इधर रखें या फिर अलग से अटैची में डालें। तो मैं तो इसे बोल रहा हूँ कि उसी में डाल लें, अलग से अटैची में, इसमें क्यों रख रहा है, क्यों रख रहा है भाई? ये इसमें आ जाएंगे, नहीं आएंगे यार, मुश्किल से उसमें आए, एक साइड में आए, तो डाल क्या लाना, इसको छोड़। क्या ये दो पड़े हुए इसके, ये कैसे रखेगा, ये ले, अब इब के करेगा तो टेंशन मत ले। फाइनली गाइस, इसमें आ गए इसके जूते, और काफी खुश हो रहा है, खुशी दिखाई अपनी, देखो स्माइल देखो लड़के की, मतलब ना खुशी, इतनी खुशी से आज तक नहीं हुई, अब तो हो रही है ना। चलो सर, ओके ब्रो, चलो सर ओके ब्रो, मिलते हैं। तो फाइनली गाइस, हम निकल चुके हैं, और बैग पता भाई क्या है, ईयरफोन सब भूल गया तू, ईयरफोन कहाँ है नहीं? तेरे पास ही है, हॉस्टलर की लाइफ मतलब ना, आउट पास भी रह जाती है ना, तो होशी मिलते हैं फिर 10 दिन बाद, छुट्टी पे जा रहे घर। हाँ, बहुत खुश है, खुशी देखो इसकी, खुशी बहुत है मुझे। कहाँ घर जा रहा है? हाँ जी, घर जा रहे हैं। कुछ भूल रहे लग तो नहीं रहा भाई, काफी मतलब स्पेशियस लिफ्ट है ना स्कू की, मेजरली तो इसमें वैसे लिख रहा था कि 13%। हाँ, बट ये 7-8 में ओवरलोड हो जाती है। सही में काफी बढ़िया है, बढ़िया मतलब। अभी हम हॉस्टल के बाहर आ चुके हैं, और ये खुश लौंडा जा रहा है, लौंडा मतलब लड़का, और काफी अच्छा व्यू हो रहा है यहाँ का, है ना बेबी, काम डाउन।
खुशी देखो झलक रही है। सो भव्य हम किस साइड जा रहे हैं अभी? ब्लॉक के बाहर। ब्लॉक कौन सा? बी3। हाँ, बी3 के बाहर जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं हम बी3 के पास? बी3 के बाहर एक्चुअली हमको कुछ काम है, एक डेढ़ मिनट का। हाँ, क्या काम? बाद हम सीधे चलेंगे। कहाँ? गेट नंबर टू। और आपको मिलते हैं हम गेट नंबर टू जाके। और ये सैम आज ये भी ब्लॉक में आज हमारा पूजा का सीट रहा। हाँ, ये सामने क्या है? DSW। सामने DSW है। इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। यहाँ पे स्टूडेंट को छोड़ के सबका काम होता है। हाँ, मतलब काफी बढ़िया जगह है ना? बहुत बढ़िया जगह। पैसे रखने की बहुत बढ़िया जगह है। सही बात है। तो आपको मिलते हैं B4 के पास। B4 है, पता जा रहा है ना? अब तो हैप्पी जर्नी होगी भव्य की। हाँ बिल्कुल, अब तो मतलब ना ऐसे। तो गाइस भव्य को ऑटो मिल चुका है और ये इस ऑटो में जा रहा है। वैसे बार्गेनिंग अच्छी कर लेता है भव्य। जगह गए। ओके भव्य, बाय। फाइनली इसको हमने ऑटो में बिठा दिया। बाय भव्य, बाय ब्रो। तो भव्य को बिठा लिया। सैम चले, तो हम अंदर जा रहे हैं। फिर सैम को छोड़ के फिर मैं घर निकल जाऊंगा। सो गाइस अभी सैम को छोड़ने आए थे और सैम वापस हॉस्टल जा रहा है है ना? नहीं, सैम मुझे छोड़ने गया था, फिर मैंने कहा सैम तुझे छोड़े आता हूँ, फिर अब वापस चलता हूँ। सो फाइनली आई एम होम। सो आदित्य यहाँ पढ़ रहा है। हाय आदित्य, क्या चल रहा है? बाकी सब आ चुका था और अभिनव कह रहा था कि अंडे लेने जाना है, तो खाता तो है ये अंडे। अभिनव खाते हैं अंडे, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो ये अंडे लेके जा रहे थे हम। और आपको बाहर का भी दिखाते हैं। हमारे घर से बाहर निकलते ही ये हाईवे है सामने ही, और ये मिनी सिटी है इधर जो है, तभी आपको ये भी एक्सप्लोर करवाएंगे। और ये हमारा फ्लैट है इधर, और इधर एक शॉप्स है बहुत सारी। तो जस्ट अभिनव के साथ जा रहे थे और अभिनव थोड़ा सा बीमार है, बहुत दिन बाद मतलब ब्लॉग में दिख रहा है शायद, क्योंकि अभी भव्य था मेरे साथ में आज पूरा दिन। सो गाइस आज हम बैठे हुए थे और एकदम से मतलब ना हम पुरानी यादें अपनी ताज़ा कर रहे थे कि हम बचपन में कौन कौन से कार्टून देखते थे। तो अभी हम देख रहे हैं रिच रिच। गाइस हम आज सारे कार्टून देख रहे थे बचपन में देखा करते थे, तो अभी हम टॉम एंड जेरी देख रहे हैं। जस्ट अभी देख रहे हैं वो जी। और ये युवराज का आइडिया था, युवराज का। हाँ बिल्कुल। तो थोड़ी सी जल के दिखा देते हैं आपको। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे पावर रेंजर SPD। हाँ। फिर हमने देखा रिकेंडो देखा, रिकेंडो जिसमें कीज होती थी। हाँ। और फिर हमने गूज बम्स करके एक आता था पहले, मैं देखता था वो। मैंने युवराज को बताया कि हाँ वो भी एक कार्टून है। फिर रिच रिच देखा, रिच रिच के बाद हमने देखा अब टॉम एंड जेरी लगाया, तो इसके नजारे देखा होगा सभी ने। हाँ सही है। सो गाइस आपको पता ही होगा क्या है, ये है सबसे फेमस कार्टून 90s का, पोपाय द सेलर मैन। ये बहुत देखते थे यार, मैंने बहुत देखा है बचपन में। मेरे घर वाले तंग आ जाते थे, पता नहीं मतलब ना कहते थे निशान कितना देखा सुबह स्कूल जाने से पहले, सुबह सुबह याद है ना, सुबह सुबह आता था काफी। मतलब इसकी वाइफ जो होती है पतली सी सूखी सी दिखाई, सच्ची पालक खाने से ना भी मेरे मसल्स आ जाएंगे। हाँ बचपन में हम वहम में थे इसके, लड्डू से सही है। वैसे सही थे यार। हाँ ये भी लड्डू से सही है, लड्डू से सही है। युवराज एक और कार्टून आता है ना जिसमें मतलब वो बाइक पे राइड करता था, स्केटबोर्डिंग। हाँ स्केटबोर्डिंग, हाँ किक बटोस्की। हाँ 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 ये वाला ये भी बहुत देखा मैंने कार्टून नेटवर्क पे। अबे जॉनी टेस्ट भी आता, जॉनी टेस्ट। अबे हाँ जॉनी टेस्ट ब्रो, वो भी है, वो भी भाई। इसके बाद वो भाई ये भी बहुत अच्छा। हाँ ये भी मैं बहुत देखा है, कूल, काफी ज्यादा देखा, काफी ज्यादा देखा।
ये स्कूल से जब आता था ना मैं हाँ। लगा होता था। और या फिर जॉनी टेस्ट आ रहा होता था जॉनी टेस्ट कार्टून नेटवर्क पे जब स्टार्ट हुआ था नया ये डिज्नी पे आता था क्या चाल है बहुत फनी होता था यार इसका सही में गंथर भाई ए पंडा भाई होता है हाँ काफी सही था भाई देख पहले फिनियस एंड फर्ब भी आता था नहीं सॉरी फिनियस एंड फर्ब नहीं ये जॉनी टेस्ट है जॉनी टेस्ट ये काफी फनी था ये भी काफी फनी था इसका कुत्ता होता है सही थे ये कार्टून अब तो ऐसे कार्टून आते ही नहीं है अब एनिमे में शिफ्ट हो जाओ ब्रो हाँ अब एनिमे देखने के लिए रह गए हैं पर वो ये ऐसे बंदे देखते हैं एनिमे युवराज जैसे भाई अच्छी होती है नहीं मुझे तो नहीं वो कार्टून से लगते हैं भाई नहीं अच्छा जॉनी टेस्ट ये मैं स्कूल से आती देखता था मतलब ना जॉनी टेस्ट देखता था और वो जॉनी टेस्ट ये जॉनी टेस्ट और वो और एक और आता था कौन फिनिस एंड फर्ब वो सुबह सुबह आता था सुबह सुबह आता था ये वाला कार्टून तो आपने देखा ही होगा पक्का ही देखा होगा अगर आपने नहीं देखा अपने अपनी बचपन की लाइफ दोबारा देखो इसको दोबारा देखो अपनी बचपन की लाइफ को होती है बड़ी लंबी बच्चे बड़े बोर तो समझ नहीं क्या करे क्या करे जैसे कि रॉकेट में उड़ना या मम्मी से लड़ना या आईफिल टावर पे चढ़ना जो है नहीं उसका पता लगाना या फिर बंदर को नहाना जैसे कि एक टाइम का बेटा ढूंढ लाना ऊपर जाना रॉकेट चलाना या बहन को पागल बनाना तो देखा जाए तो छुट्टियों के मौसम में हो सकता है धमाल है कमाल के फिनियस एंड फर्ब क्योंकि ये कहते हैं धमाल है कमाल के फिनियस एंड फर्ब क्योंकि ये कहते हैं धमाल सुबह सुबह आता था फिनियस एंड फर्ब जब जून की छुट्टियां होती है ना तब भी आता था तब भी कार्टून आते हैं मतलब उनको पता चल जाता है बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो कार्टून दिखा देते हैं सो यही था ये वाला कार्टून तो आपने पक्का देखा होगा अगर नहीं देखा तो आप प्लीज डूब के मर जाइए क्योंकि यही कह सकते हैं ये नहीं देखा आप डूब के मर जाइए जिंदगी सवार दूं एक नई बहार दूं दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं मैं किसी का सपना हूं चलो इसका रिव्यू देते हैं यार बचपन मैंने इसके सारे एपिसोड देखे मैंने भी ऑलमोस्ट सारे देखे और बस वो लास्ट वाला एपिसोड एक आया था ना कि जिसमें मर जाता है ये डोरेमोन बंद हो जाता है बनना आई थिंक अभी लेटेस्ट आ भी रहे हैं हां और अरे नहीं उसने भाई को बताऊंगा एंड कर दी स्टोरी यार एंड हो गई थी मैंने देखी उसकी एंड स्टोरी हां उसे मर जाता है डोरेमोन फिर बेचारा अकेला बच जाता है नोबिता मैंने बीच में छोड़ दिया था देखना पर फिर भी काफी देखे हैं काफी मूवीज भी इसकी बहुत अच्छी हैं हां मूवीज अच्छी हैं जो एनिमेटेड मतलब बढ़िया एनिमेशन है सारी हां एनिमेशन बढ़िया कर रखी है उसने 3D हो गया याद है बस इतना याद आ रहा है अनोखी शक्तियों का अब दीवान हो गया में बदल गया कोई कितना भी ताकतवर नहीं है इससे किसी का भी डर हर मुश्किल से लड़ता है सारी दुनिया की हिफाजत करता है इस बैंटन अरे
फेवरेट कौन सा था एलियन? मेरा फेवरेट था वो जो हीट ब्लास्ट, हीट ब्लास्ट हाँ, वो और एक और एक वो भी था ना ब्लैक से कलर का होता है वो किसी में भी चेंज हो जाता है जिसके जिसके ऊपर अबे हां ये वाला पीछे 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 रुक जा ये आएगा ये वाला हर एक में चेंज हो जाता है मतलब अपने कंट्रोल फोर आर्म्स अच्छा हां फोर आर्म्स अच्छा स्ट्रांग एक्सेलरेट हां एक्सेलरेट वो काफी बढ़िया था वो तो भाई मस्त। सो फ्रेंड्स सब मुझे लगता है कि व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहिए, काफी नॉस्टैल्जिया आ चुका है। हां काफी नॉस्टैल्जिया आ चुका है, ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो व्लॉग को हमको यहीं पे एंड करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी व्लॉग्स और चाहिए रिव्यूज की सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, बाय। अभी हम ये खा रहे हैं।